हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई आप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिखाने के लिए, जो कि खजूरी खास के फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ हूं। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, जो इसका रैंप बनाने का काम था, देखो वो कर लिया गया सारे में ही। फ्लोर वर्क बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, इधर का काम अभी किया जाना है। तस्वीरें देख सकते हो, ये सीधा चला जाएगा दोस्तों। ये सिग्नेचर ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में ये आपका चंडीगढ़ अम्बाला के लिए दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से उतरेंगे। और ये मेन लाइन है दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तस्वीरें देख सकते हो, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। जो यहाँ पर काम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है दोस्तों, और आप सभी को यहाँ पर गगनचुम्बी ये पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे। और इसलिए ये गगनचुम्बी पिलर्स हैं दोस्तों, क्या एक तो ये फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं, दूसरा ये पिंक लाइन को भी क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के, देखो आप लोग तस्वीरें। तो ये तो आ जाता है दोस्तों खजूरी पुस्ता, यानी कि आपका ये आगे पड़ता है कौन सा है, शास्त्री पार्क। शास्त्री पार्क जहाँ से स्टार्ट होता है और ये खजूरी पुस्ता ख़त्म होता है, तो वहीं पर यहाँ तो सारा काम हो चुका है, फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा दोस्तों। और इस साइड में देखो, खजूरी के पास में आकर जब हम आ जाएंगे तब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पियर के पियर कैप बनाने का काम किया जा रहा है। टीम देखो वहाँ पर लिए लगी हुई है, तस्वीरें देख सकते हो, तो किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों इसको पियर कैप को बनाने का काम किया जा रहा है। और जो आई गटर्स हैं देखो, वो वहाँ पर आप लोगों को रखे हुए हैं सारे आई गटर्स, इन्हीं को यहाँ से उठा उठा कर दोस्तों और आगे जाके लॉन्च कर दे रहे हैं, मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देखो कि क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के, ठीक है। और आज हम चलने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पैकेज वन है, उसमें से पैकेज टू का अपडेट आज आप सभी को दिखाने वाला हूं मैं दोस्तों। ये तो है, आप लोगों को बता दूं कि खजूरी पुस्ता का, और ये आ जाती है बीच में क्या फ्लाईओवर, और बीच में और उसके बगल से ही देखो ये जो पिलर्स आपको चमक रहे हैं थोड़े थोड़े, यानी कि ये देखो ये पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, इसी को क्रॉस करेगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिस पर देखो किस तरीके से यहाँ पर पियर के पियर कैप बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। सरियाओं का इन्होंने जाल बनाने का काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद में कंक्रीट भर दिया जाएगा, पियर कैप बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, क्या ही बेहतरीन है। और चलते हैं उस साइड में और आप लोगों को दिखाते हैं चल के। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप लोगों को पूरा बायोडेक्ट पैकेज बनकर, दूसरा पैकेज दिखाते हैं चल के, सेकंड पैकेज दोस्तों। Thank you.
और यहाँ पर ये आरई पैनल्स को लगाया जाएगा अभी, फिर इसके बाद में ऊंचा किया जाएगा, मिट्टी डाली जाएगी और उसके बाद में ये पैराफिट वॉल लगाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये पिलर के ऊपर ही अंडरपास रहने वाला है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो जिसमें दोनों पिलर बन गए हैं, इन पर आई गटर द्वारा लॉन्च भी कर दिए हैं। देखो आप, फ्लोर वर्क किया जाना है जो कि फ्लोर वर्क नहीं हुआ है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये आरई पैनल्स को लगा रहे हैं, फिर मिट्टी को लगाएंगे तो इस तरीके से ऊंचा किया जाएगा दोस्तों। देखो अभी साइडों में ये आरई पैनल्स को लगाएंगे, उसके बाद में कंपोजर लगाएंगे, फिर इसमें बेल्ट लगाएंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, तो इसी तरीके से काम किया जाता है। देखो यहाँ पर ये कंपोजर लगा दिया, ये बेल्ट लगाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, तो वहाँ पर यही के वर्क चल रहा है। और देखो यहाँ पर ये एग्ज़ाम है आज बच्चों का दिल्ली पुलिस का। देखो ये कंपोजर लग रहा है, नहीं लग रहा है, कंपोजर लगा के और इस तरीके से काम किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। इस पर ब्लैक टॉप हो चुका है फाइनल लेयर का दोस्तों। और देखो इस पहले अंडर पास पर दोस्तों गाटर लॉन्चिंग होकर इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है। अब इस पर शटरिंग लग चुकी है दोस्तों, ये कर भी रहे हैं शटरिंग। देखो इधर तो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों अंडर पास। दोस्तों नीचे देख सकते हो लेफ्ट साइड में, अभी ये यहाँ पर ये अर्थवर्क का काम चल रहा है जो कि सर्विस लाइन नहीं बनी, अभी ड्रेनेज ही बना है, तो इस वजह से हम ये ऊपर चढ़ जाएंगे दोस्तों। और ऊपर का कैरेज भी देखो अभी नहीं बना है क्योंकि काम ही चल रहा है, क्योंकि पहले ये सर्विस लाइन बनाएंगे उसके बाद में ये मेन कैरेज भी बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें आरई पैनल को लगाया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कि आरई पैनल लगाए जाएंगे इसमें बैन वाले हिस्से में, तो देखो किस तरीके से यहाँ पर ये सर्विस लाइन को बना दिया, इसमें कंक्रीट की लेयर चढ़ा दी है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, तो ऐसे ही वीडियोस देखो। बनाया जा रहा है सर्विस लाइन दोस्तों, जिसमें कॉन्क्रीट की लेयर तो डाल दिया, अब इसमें ब्लैक टॉप की लेयर डाली जाएगी दोस्तों। ये दूसरी साइड का है, तस्वीरें देखो आप लोग। और देखो इस साइड का भी देखो, यहाँ ने इन्होंने ये तोड़ दिया दोस्तों, ये देखो मिट्टी भी डाल दी है। अभी ड्रेनेज बनाया जाएगा, जैसे उधर बनाया गया है इधर भी बनाया जाएगा, उसके बाद में दोस्तों इस पर काम किया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हो, आगे ड्रेनेज तो बन गया है, इधर नहीं बना है क्योंकि ये नाला आ रहा बीच में, तो इस नाले को ख़त्म किया जाएगा, वो ड्रेनेज बनाया जाएगा। उधर मिट्टी देखो तोड़ दी जा चुकी है, आगे दिखाते हैं चल के। किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों तेज़ी के साथ में। और देखो जेसीबी मशीन ये देखो वर्क कर रही है, जो कि मिट्टी को फैलाने का काम कर रही है दोस्तों। और फिर इसके बाद में इसको एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी इसका सर्विस लाइन बनाने का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पहले सर्विस लाइन बनाएंगे फिर इसका मेन कैरेज वे बनाया जाएगा दोस्तों। मेरे लेफ्ट हैंड में तस्वीरें देख सकते हो, ये ढोल पड़े हुए हैं ना, ये सीमेंटेड, इनका ड्रेनेज बनाया जाएगा और इसके ऊपर दोस्तों पता है क्या, इस पर सर्विस लाइन रहेगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर ये दिल्ली ख़त्म हो जाती है दोस्तों और यूपी स्टार्ट हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये दूसरी कंपनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सीगल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। तो यहाँ से ये सीगल इंडिया लिमिटेड काम करने लगी है दोस्तों। गाबर कंस्ट्रक्शन पीछे कर रही थी दिल्ली वाले हिस्से में, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। देखो दोस्तों अभी तो अभी क्या है, बीच में यहाँ पर ये आरई पैनल्स को भी ही लगाया जाएगा और फिर उसके बाद में इसको जो मेन लाइन है सिक्स लाइन होने वाली है एक्सेस कंट्रोल्ड, उसका काम किया जाएगा। तो यहाँ पर आरई पैनल्स को लगाया जाएगा इधर इस साइड में, देखो ये पानी चमक रहा है ना, यहाँ पर ये आरई पैनल्स को लगाने का काम किया जाएगा। देखो जैसे वो लगी हुई है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर ये ड्रेनेज के लिए ये पुलिया डाली जा रही हैं ये वाली, ताकि पानी निकल जाए, इसके ऊपर सर्विस लाइन बनाई जाएगी दोस्तों। तो कुछ ये काम चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, आप लोग
अपनी आँखों से देख सकते हो। देखो वो ड्रेनेज के पानी के लिए ये पाइप डाले जा रहे हैं, ये सीमेंटेड पाइप हैं दोस्तों, वो डाले जाएंगे जिनकी ड्रेनेज बनाया जाएगा। हाँ फिर उसके बाद में इसको ऊपर इसका बना दिया जाएगा क्या, सर्विस लैंड दोस्तों। और हाईवे का जो पार्ट है देखो वो आरी पैनल्स लग रहे हैं वहाँ पर, उस तरीके से इधर भी लगाए जाएंगे यहाँ पर। तो चलते हैं आगे दिखाते चल के। अब देखो जो सिक्स लेन बनाई गई है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है दोस्तों, ये देखो आप लोग तस्वीरें, क्योंकि इसमें जो बीच का डिवाइडर था वो भी बना लिया जा चुका है, उधर की भी लेन बना दी, इधर की भी बना दी है। देखो आप लोग तस्वीरें, कुछ इस तरीके से ये बनाया जाएगा। जो थ्री लेन इस साइड में है वो तो ये वाली जिस पर हम चल रहे हैं, और थ्री लेन उस साइड में है, तो इस पर सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। बस इस पर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है और इस पर अभी लैंड मार्किंग का काम किया जाएगा, तो ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखो आप लोग कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के। अब चलते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो गया वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे। दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर ये देखो जेसीबी वो लगा हुआ है और इसको काम को मिट्टी फैलाई जा रही है। पहले ये कंपोजर लगा दिया, देखो ये कंपोजर लग रहा है, और इसी में अब बेल्ट लगाई जाएगी, फिर उसके बाद में इस पर मिट्टी डाली जाएगी दोस्तों लेयर बाई लेयर। तो इसी तरीके से काम को किया जाता है। और जो आरी पैनल्स हैं दोस्तों ये रखे हुए हैं यहाँ पर, ये आरी पैनल्स रखे हैं चारों तरफ, उधर भी बनाया जा रहा है, और ये बीच में दोस्तों पुलिया बनाई जा रही। तो दिखाते हैं चल के आगे आप सभी को। देखो उधर भी बनाया जा रहा है, इधर भी बनाया जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है दोस्तों। उसमें तो गावर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही थी पैकेज फर्स्ट में, और पैकेज सेकंड में दोस्तों इस पर सीगल इंडिया लिमिटेड काम कर रही है। देखो ये बनाया गया अंडरपास दोस्तों, जो कि मैंने पिछली बार आप सभी को दिखाया भी था। देखो वो बनाया जा रहा है, और उसमें सरियों का जाल भी बना दिया। अब उस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों उस साइड में, और यहाँ पर यह बनाया जा रहा है टोल प्लाजा दोस्तों। ये यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया गया, आराम आराम से ले चलो ना। हाँ ऐसे जो पानी भी नहीं गिरेगा ऊपर आएगा। अभी देखो यहाँ पर ये आपको बता दूँ क्या कि इसकी दीवारें भी बनाई जाएंगी, बीच का डिवाइडर भी बनाया जाएगा। और देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग बन चुकी है टोल प्लाजा की दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। पहले इस रूट पर दोस्तों गायत्री प्रोजेक्ट काम कर रही थी, लेकिन वो छोड़ के भाग गई, फिर इसके बाद में आई है सीगल इंडिया लिमिटेड, तो उसी के द्वारा काम किया जा रहा है। देखो भाई साहब कितना लंबा चौड़ा है। देखो यहाँ पर भी ये DVM की लेयर कर दी है दोस्तों, इधर ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, यानी कि कंक्रीट की लेयर बिछा दी जा चुकी है दोस्तों इस साइड में, उस साइड में भी बिछाई जाएगी। इस साइड में तो ये कंक्रीट की लेयर डाल दी है, अब इस पर DVM की लेयर डाली जाएगी दोस्तों। देखो आप सभी, उधर तो मिट्टी पड़ी हुई है, इधर ये कॉन्क्रीट की लेयर बिछा दी है, और फिर इसके बाद में जैसा कंप्लीट हो जाएगा फिर इस पर DVM की लेयर डाल देंगे। देखो अभी मिट्टी काम कर रहा है, मिट्टी का ही। Thank you.
दोस्तों देखो यहाँ तक ये ग्राउंड लेवल पर रहता है, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये एलिवेटेड हो जाएगा। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।